हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर वेरी फाइन। आज हम करेंगे हिंदी कहानी। हिंदी की जो कहानी है, आपके पास ये बुक है कविताएं और कहानियां। कोई बात नहीं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये कहानी आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है बेटा? ये देखो आपकी कहानी है सोफिया और क्लोवर। लेकिन इसके पहले हम करेंगे थॉट ऑफ द डे। जैसे मैम आपको रोज को टिप ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे ऐसे करते हैं ना, आज की है थॉट ऑफ द डे है ट्रीट एवरीवन विद पोलाइटनेस इवन दोज हु आर रूड टू यू। अगेन, ट्रीट एवरीवन विद पोलाइटनेस इवन दोज हु आर रूड टू यू। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कहानी, इसका हम पठन करेंगे। मैम आपको कहानी सुनाएंगी, ठीक है? ये है सोफिया और क्लोवर, ठीक है? सोफिया और क्लोवर कौन है? सोफिया एक प्रिंसेस है और क्लोवर है जो उसका पेट है। जैसे आपके घर में पेट होता है ना, तो उसमें भी घर में क्लोवर है उसके पास, ठीक है? देखो अब ये सोफिया और क्लोवर दोनों, आप इसमें यहां कौन देख रहे हो? ये है क्लोवर। ये कौन है? क्लोवर। सारे बच्चे देखो, ये पिक्चर में देखो बेटा, बारिश हो रही है ना, देखो बारिश की पिक्चर है ना ये। चलो वो कह रहा है, देखो पढ़ो यहाँ से। उफ, इतनी बारिश! कौन कह रहा है ये? क्लोवर। देखो, क्लोवर का घर पानी से भर जाता है। वह सोचता है कि वह क्या करे। वो क्या करता है, उसके पास अपनी वो लेने जाता है, उसके पास हेल्प मांगने जाता है। क्लोवर अपनी सोफिया जो उसकी उनकी घर उनकी राजकुमारी है, उसके पास हेल्प के लिए जाता है, ठीक है? फिर वह सोफिया के पास मदद के लिए जाता है। सोफिया को क्लोवर के लिए बहुत बुरा लगता है। बेटा क्या बुरा लगता है, अब देखते हैं। वह क्लोवर को महल में रुकने के लिए कहती है। जब उसने बताया कि उसके घर में पानी भर गया है, तो वो क्या करती है, उसको बुरा लगता है कि इसके घर में पानी क्यों आया। तो वो क्लोवर को कहती है कि तुम ना मेरे महल में रुक जाओ। सोफिया क्लोवर के लिए एक मुलायम गद्देदार, मुलायम होता है गद्देदार, मुलायम मीन सॉफ्ट, सॉफ्ट उसके लिए लाती है। किसके लिए? क्लोवर के लिए। कहती है, सॉरी, सोफिया क्लोवर के लिए एक मुलायम गद्देदार बिस्तर बिछा देती है। क्लोवर खुशी से बिस्तर पर कूदता है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, इसको उसका फेस देख रहे हो ना, वो ये उसका गद्दा है, उसके गद्दे के ऊपर वो एकदम से जंप करता है। सोफिया उसे देखकर हंसने लगती है। उसको अच्छा लगता है ना, जो उसका पेट है वो कितने अच्छे से खुश हो गया। तो अब किसी को खुश देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ना बेटा, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट है। सोफिया सुबह उठकर देखती है कि उसके कमरे में चारों तरफ गाजर के टुकड़े बिखरे हैं। ये देखो गाजर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं ना, ये है ना। तो हुआ क्या, फिर वह गाजर के टुकड़ों पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। देखो गाजर के टुकड़े ऊपर का उनका उसका राजकुमारी का पैर है, वो स्लिप कर गया और वो एकदम बुरी तरह से लड़खड़ा, मतलब उसका बैलेंस नहीं बना, कंट्रोल नहीं कर पाई और वो राजकुमारी जो सोफिया है वो गिर जाती है। सोफिया को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह क्लोवर के लिए कुछ नियम बनाती है। नियम होते हैं रूल्स, जैसे आपको गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, इसके कुछ रूल बताए जाते हैं ना, ऐसे उसके लिए कुछ नियम बताती है, उसको समझाने के लिए, उसको सिखाने के लिए। वह क्लोवर को फर्श पर और बिस्तर पर गाजर के टुकड़े फैलाने से मना करती है। जैसे आपको बोला जाता है
कि आप जब टॉयज के साथ खेलते हो उसको खिलाना नहीं है, उसको अच्छे से वाइंड अप करके रखना है। क्लोवर सोफिया से वादा करता है कि वह सोफिया के सभी नियमों का पालन करेगा। अब वे दोनों दोस्त खुशी से महल में रहते हैं। सोफिया बहुत खुश है। वह एक चित्रकार से क्लोवर के साथ अपना चित्र बनवाती है। वो इतनी खुश हो जाती है कि वो एक पेंटर चित्रकार को बुलाकर अपना इसके साथ, ये क्लोवर है, क्लोवर के साथ देखो ये पिक है ना, फोटो खिंचवा ली, ये पेंटर है चित्रकार जिसको लिखा है यहाँ पे, तो उससे ये क्या करती है, फोटो खिंचवाती है। ठीक है बेटा, अभी ये आपने ये जो कहानी है ना आपकी, ये वाली अभी जो ये सोफिया और क्लोवर, आपने इस कहानी को बुक में से पढ़ लेना है। अगर जिसके पास बुक नहीं है उसने वीडियो अच्छे से देखनी है, फिर बहुत अच्छा लगेगा। और आपको भी, आपके लिए इसमें शिक्षा क्या मिली, हमारे लिए क्या मैसेज है, हमें ये शिक्षा मिली कि जब भी हम खेलते हैं या हम स्टडी करते हैं, जो भी हमारा जो टॉयज को हमने टॉयज को एक जगह आपने सेट करके रखना है, पढ़ने के बाद बुक्स को वहां टेबल से या बेड से उठा के बैग में प्रॉपर्टी डालना, मतलब खिलारा नहीं डालना। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।